वेलकम टू यू। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूँ एक मार्च का, जो कि आपका इंग्लिश टाइपिंग हुआ था। तो इंग्लिश टाइपिंग में क्या होता है कि आप सभी को जो है पहले मॉक दिया जाता है। मॉक में आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉक आपका लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपको मॉक में मतलब 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके बाद आपका जो है मॉक में ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कीवर्ड को जो है चेक करना होता है। जैसे आपका कीवर्ड का कोई बटन प्रेस करने पर सही से जो है कीवर्ड का जो अक्षर आप टाइप करना चाहते हैं वो नहीं बन रहा है, तो मेरी एडवाइस है कि आप अपने एग्जामिनर से बोल के जो है अपने कीवर्ड चेंज करवा सकते हैं, या आपके सिस्टम में जो भी परेशानी या समस्या आ रही वो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो लाइन थी ये वाली, तो ये लाइन्स जो है यहाँ पे यानी कि आप सभी के लिए यहाँ पे आई हुई थी। तो ये लाइन्स को जो है आपको यहाँ पे टाइप करना था, और टाइप करने पर आपको यहाँ पे अपना पूरा जो है कीवर्ड चेक कर लेना था। तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग आपकी होती है, जो कि टाइम आपका यहाँ पे 15 मिनट का होता है। और इसमें आपका जो है इस बार ये जो पैराग्राफ यहाँ पे लिया गया है, तो ये जो पैराग्राफ्स है इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और साथ ही अगर आप जैसी इस टाइप करना चाहते हैं अगर इसको, तो आप वर्ड फॉर भी जो है इसे इस पैराग्राफ को जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि जो सारा पैराग्राफ है इसे आप यहाँ से पूरा पढ़ लें, समझ लें, टाइप करना है, और पास होने के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना होता है। साथ ही जो आपकी स्पीड होती है वो स्पीड आपकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो भी आपको लिख रहे हैं, जैसे कि अवेलेबल आपने लिखा, तो अगर ये पूरा लिख लिया है, एल तक लिख लिया है, लास्ट में ई नहीं लगाया आपने, और इसे जो है आपने स्पेस दे दिया, तो ये जो है आपका रेड दिखाई देगा। और अगर पूरा सही से लग गया तो ग्रीन दिखाई देगा। अगर रह जाता है फिर भी आप बैक स्पेस जाके जो है यहाँ पे ई पूरा जोड़ सकते हैं। ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बैक स्पेस जो है यूज़ नहीं करना। तो ये सारा पैराग्राफ था आपका, ये पैराग्राफ आपका आया हुआ था, और यहाँ पे आप सभी ने देख लिया होगा कि इसमें जो है किस प्रकार से क्या क्या जो पैराग्राफ है। जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होती हैं। आप सभी के ऐसे मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, और जो भी अच्छा बनाऊंगा कंटेंट आप सभी लेके बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी जो है मैं करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।